14 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और अयोध्या का हर हृदय राम के लौटने की आस में बेचैन था। राजा दशरथ के जाने के बाद से जैसे हर चेहरे पर उदासी थी और अयोध्या की हवाओं में एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। लेकिन अब खबर आई थी कि श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ लौट रहे हैं। अयोध्या के लोग सोचते थे, क्या राम अब भी वैसे ही हैं? क्या वे पहले जैसे सरल करुणामयी और अपने हर अयोध्यावासी को गले लगाने वाले राम ही हैं? राम के लौटने की खबर मिलते ही अयोध्या में हलचल मच गई। हर घर, हर आंगन और हर गली में लोग दीपक जलाने की तैयारी करने लगे। यह दीपक केवल प्रकाश के लिए नहीं बल्कि राम के अंधकार में जीवन को रोशन करने के लिए थे। हर कोई अपने प्रिय राम का स्वागत ऐसे करना चाहता था कि यह क्षण युगों युगों तक स्मरणीय बन जाए। महिलाएं अपने घरों को सजा रही थी, बच्चों में जैसे किसी अनदेखी खुशी का उछाल था और वृद्ध लोग सोच रहे थे कि क्या सच में उनके राम, उनके प्रिय राम लौट रहे हैं। राम के छोटे भाई भरत, जिन्होंने 14 वर्षों तक सिंहासन को राम की खड़ाओं के साथ सादगी से संभाला था, वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनका मन रोमांच और प्रेम से भर उठा था, लेकिन साथ ही एक भारी दर्द था कि वे राम के बिना अयोध्या को नहीं संभाल पाए। भरत को अतीत की ये स्मृतियां याद आने लगी, जब राम ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उस दर्द में उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम लौटेंगे नहीं, वे किसी भी उत्सव में शामिल नहीं होंगे। और अब उनके राम लौट रहे हैं। जैसे ही राम का रथ अयोध्या में प्रवेश करने लगा, चारों ओर जय श्री राम की गूंज उठी। हर चेहरा दीप्त हो उठा। लोग अपने अपने घरों से निकलकर स्वागत में जुट गए। जब राम अपने नगर वासियों को देख रहे थे तो उनके चेहरे पर एक असीम करुणा और प्रेम का भाव था। वे जानते थे कि अयोध्या वासियों ने उनके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। राम का आगमन देखकर महिलाएं उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। बुजुर्ग उनके चरण स्पर्श करने की चाह में खड़े थे और बच्चों की आंखों में मानो दिव्यता का प्रकाश था। उस समय राम ने भीगते हुए शब्दों में कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार पा लिया है, आप सबका यह स्नेह। राम के आगमन की रात अयोध्या का रूप देखने लायक था। हर घर के आंगन में दीप जलाए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धरती का हर कोना राम के स्वागत में चमक उठा हो। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह प्रतीक था उस प्रेम का, उस निष्ठा का और उस समर्पण का जो अयोध्या के लोगों ने अपने राम के लिए महसूस किया था। यह वही रात थी जिसने दीपावली के पर्व का आरंभ किया। यह वह रात थी जब अंधेरे को प्रकाश में बदलते देखा गया, जब त्याग और प्रेम की अद्भुत कहानी ने अपनी जड़ें जमाई, लोगों ने अपने आराध्य को पाया और उस दिन से हर दीपावली पर उसी प्रेम और स्नेह को हर घर में जलाया जाता है। अंत में जब राम महल में प्रवेश कर रहे थे तो पूरे नगर के हृदय में एक ही बात गूंज रही थी कि यह दीपावली राम के स्वागत का पर्व नहीं बल्कि प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है जो अयोध्या के लोगों के दिलों में राम के प्रति सदा बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कोई और वीडियो में। जय श्री राम।